अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और अपने अपनी लाइफ में खुश होंगे। लेकिन एक बुरी खबर जो आज सुनने को मिली कि मौलाना तारिक जमील, जो कि बहुत बड़े मजहबी स्कॉलर भी हैं और अलामा हैं पाकिस्तान के, उनके जो बेटे हैं, छोटे बेटे, वो जिनका नाम आसिम तारिक जमील, वो इस दुनिया में नहीं रहे। और उसकी वजूहत क्या हैं और लोग किस तरीके से उसको वो ले रहे हैं, सबसे पहले तो उनकी मकसरत के बारे में बात करेंगे। उनकी मकसरत अल्लाह ताला करे और उनको जन्नत में आला दर्जात बुलंद फरमाए। और ये वो टाइम है कि जब कोई दुनिया से चला जाता है तो हमें उसके लिए बस यही दुआ करनी चाहिए। सबसे पहले ये एक बहुत अफसोसनाक खबर है, इतनी बड़ी खबर, अचानक से एक नौजवान इंसान दुनिया से चला गया और पता भी नहीं चला कि मतलब इंसान क्या है, आज है तो कल नहीं है। आई थिंक ये चीज़ अगर हर कोई समझ ले तो वो अपने आप को सुधारना शुरू कर ले, लेकिन हम लोग नहीं सुधरते। कोई उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रहा है कि उसको फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया है, कोई उसको ये लगा रहा है कि अब नॉर्मल था, उसका कोई और मसला था, लेकिन बाकायदा तौर पर जो है उसको इनके अपने भाई, बड़े भाई ने जो है ना वो अनाउंस कर दिया है कि डिक्लेयर कर दिया है कि वो एक डिप्रेशन में थे और मुसलसल उनका इलाज भी चल रहा था। वो डिप्रेशन क्या था अभी तक कोई फाइनल सूरत हाल सामने नहीं आई, लेकिन उनको एक डिप्रेशन था, एनजाइटी का इशू था, वो बढ़ता गया और एंड यही स्टेज होता है डिप्रेशन का कि वो आज इस नौबत पर आ गए कि उन्होंने अपने सिक्योरिटी गार्ड से ही गन लेकर, क्योंकि घर में कोई था नहीं, और अपने आप को उन्होंने जो है वो अल्लाह के हवाले कर दिया। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि डिप्रेशन एनजाइटी के ऊपर मैं हमेशा बात करता हूँ कि परेशानियों से हट कर अपने लिए जीना सीखें, अपने लिए जीना सीखें, क्योंकि ये जो है हमारी हमारी लाइफ में जो परेशानियां हैं वो बेसिकली किसी और की दी हुई हैं। ठीक है, हम या तो अपने बीवी बच्चों की या फिर अपने माँ बाप की परेशानियां या फिर कोई किसी और पर्सन की, बहन भाइयों की परेशानियां लेकर अपने आप को आज इस स्टेज पर लेके आ जाते हैं कि हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और अपनी लाइफ को जो है ना जीना देते हैं। लेकिन मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि खुद के लिए जिए और दुआ करें कि हर किसी को एक ऐसी मौत नसीब हो, क्योंकि मौत एक ऐसी चीज़ है किसी को भी किसी वक्त आ सकती है। खून की मौत अल्लाह ताला हर किसी को नसीब फरमाए, घर वालों को, मौलाना तारिक जमील को, उसके भाइयों को सब्र दे और इस चीज़ से लोगों को सीखने की तौफीक दे कि हमें डिप्रेशन एंजाइटी से हटकर अपनी लाइफ को अच्छे वे में जीना है और दूसरों की नेगेटिविटियाँ जो है ना, दूसरों को नेगेटिव लेकर उसके ऊपर जो है ना बहस और तबसरा नहीं करना, बल्कि उससे सीखना है और इसको भी पॉजिटिव लिया जाए। और इंशाल्लाह आपसे हम मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इस वीडियो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली ऐसी ही अपडेट्स को आप तक मैं पहुंचाता रहूं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।